सो हेलो दोस्तों, देखिए हम फिर एक नए वीडियो लेकर के आ गए। तो देखिए इसी पिक को आज हम एडिट करेंगे, तो इस पिक को हम शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ये देखिए मेरा स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। टोन इमेज पर क्लिक करके इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे और एमबीस को फुल कर देंगे और हाईलाइट को कम कर देंगे और शैडो को थोड़ा बढ़ा देंगे। और फिर से जा कर के सेलेक्टिव पे जा कर के जहाँ जहाँ पे आपके चेहरे पे ब्लैक है वहाँ पे जा कर के इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। देखिए मैं बढ़ा ले रहा हूँ, आप लोग भी बढ़ा लीजिएगा। देखिए हैंड पे भी बढ़ा लेते हैं, जहाँ जहाँ पे आपके चेहरे या हैंड पे ब्लैक है वहाँ वहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा सेलेक्टिव पे क्लिक कर करके। देखिए मैं बढ़ा ले रहा हूँ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। देखिए थोड़ा यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं हम। देखिए इस फोटो को हम शेयर कर लेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। ये देखिए मेरा लोडिंग हो रहा है। देखिए मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो गया है और ऑल फोटो पे क्लिक करके देखिए मेरा पिक यहाँ आ चुका है। देखिए और बैक जाएंगे और देखिए ये पिंटेस्ट है। देखिए पिंटेस्ट दिख रहे हैं, ये पिंटेस्ट है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और दोनों को ऑन करके सही के चिन्ह पर क्लिक करके बैक जाएंगे और अपने फ़ोटो पे जा करके थ्री डॉट पे क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग कर देंगे। देखिए अभी हमारा पिक वन क्लिक में कितना अच्छा फ़ोटो एडिट होगा। सो देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है और वीडियो को फुल वॉच के देखिए हमारा वन क्लिक में कितना झकास फ़ोटो एडिट हो गया। देखिए वन क्लिक में और थोड़ा रेड वाले को थोड़ा हम कम कर देंगे और सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको शेयर कर लेंगे अपने हम ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। देखिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए। देखिए मेरा स्केचबुक एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये पहले वाला पिक इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। देखिए और इस पे के लिए यही ब्रश आप लोगों को ले लेना है, साइज अपने अनुसार रख के फॉलोअर स्टेंच को जैसे मैं रखा हूँ वैसे रख लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा ब्रश काम कर रहा है, देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है मेरा चेहरा। देखिए दोस्तों कितना झक्कास स्मूथ हो रहा है, आप लोग भी इसी ब्रश से कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है, देख लीजिए। देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है और हैंड पे भी कर लेंगे। देखिए देखिए कितना अच्छा से स्मूथ हो रहा है। और वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और मैं रोज़ ऐसे वीडियो डालता हूँ, बनाता हूँ। देखिए आप लोग को ये ब्रश ले लेना है और इसको साइज ऐसे रख के फॉलो को फुल रखना है। देखिए अपने मैं ग्लास पे मार लेता हूँ, थोड़ा लिप पे भी मार लेंगे हम, लिप पे देखिए। और इस पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके इसको ओपेसिटी को कम कर देंगे और देखिए कितना अच्छा फोटो हमारा हो गया। और इसको सेव कर लेंगे हम। अब हम पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। देखिए सेव हो गया। देखिए इस फोटो को हम पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, तो शेयर पे क्लिक करके और पिक्स आर्ट एप्लीकेशन ये रहा, देखिए इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अलाउ कर देते हैं, मेरा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। और एफएक्स वाले पे क्लिक करके और देखिए कलर पे क्लिक करके कलर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है और अपने बैकग्राउंड पर ये रख लेना है। देखिए मैं ग्रीन टोन कर लिया हूँ, अपने शर्ट पर से हटा लेता हूँ और जींस पर से। देखिए कितना अच्छा हो गया। तो सही फिजिन पे क्लिक करके देखिए थोड़ा हम हेयर को बढ़ा लेते हैं। देखिए सही की फिर से टूल्स पे क्लिक करके एडजस्ट पे क्लिक करके सिचुएशन को हम बढ़ा लेंगे। देखिए क्लैरिटी को भी हम बढ़ा लेंगे, सही के चिन्ह पे क्लिक कर देंगे। और अब हम ऐड फोटो पर जाएंगे
और एक दो PNG ऐड करेंगे, वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए मैं PNG ढूंढ रहा हूँ, देखिए ये रहा मेरा PNG। ब्लेंड पे क्लिक करके स्किन कर देंगे और देखिए अपने बैकग्राउंड पर ऐसे रख देंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड। और एक यहाँ पे रख देते हैं और एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख के और मैं अपनी फ़ोटो को सेव कर लूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।